तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि वायरल क्वेश्चन है, जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है सब। और सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को जो है फटाफट जो है शेयर कर दीजिए, ताकि आज का क्लास मैं फटाफट जो है ना स्टार्ट कर लेता हूँ। और ये क्लास जो है इतना शानदार होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में आपको है ना एक एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने का 100% संभावना है। संभावना तो संभावना, ठीक है। इसमें से 80% क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो बहुत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है ना फटाफट जो है दिमाग में बैठा लीजिए और ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, समझिए, फटाफट जो है ना लगाइए, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी आवाज संख्या और कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महसा ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी जो भाज्य संख्या कौन होता है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो कि लगभग जो है ना तीन संख्याओं से कट रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। सभी विद्यार्थी इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्या को कहाँ से स्टार्ट होगा, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है ना वो आपका चार होता है, ठीक है। और जब जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो दो होता है, ठीक है। अभी दोनों का क्या करना है हमको, दोनों का आपको महसा निकालना है। तो चार का फैक्टर तो रहेंगे दो गुने दो हो जाएगा, और जबकि दो का फैक्टर तो रहेंगे तो दो गुने वन। अब महसा कहता है कि वैसी संख्या जो दोनों संख्या में क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो मिल रहा है, इसमें दो मिल रहा है, ठीक है। और इसका घात देखिए, दोनों का घात एक ही है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो महसा कहता है सिर्फ घात छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का घात सेम है, तो दोनों में से क्या है, एक। तो एचसीएफ इसका क्या आ गया, तो एचसीएफ आपका दो आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो ए और बी का लसा, तो ए और बी एक अभाज्य संख्या, तो इसका लसा, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है ना जी, लसा गुणे महसा, तो इस तरह होता है, ठीक है। क्या होगा जी, तो ए बी हो जाएगा, क्या होगा जी, ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर वेबसाइट में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, ठीक है। हाँ, तो चलिए बाबू अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न काफी शानदार ये दिया हुआ, कहता है कि देखिए मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछने की संभावना, ठीक है। आप जानते हैं ना मेरे बारे में, शुरू से जानते होंगे, अगर जो छात्र मेरे जो है ना शुरू से चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वीडियो, तो उनको पता होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 100% आता है तो आता है, ठीक है। कहते हैं दो परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। तो दो परिमेय संख्या ले लीजिए, ठीक है, एक चार ले लेते हैं, एक तीन ले लेती है, भी दो परिमेय संख्या, ठीक है। इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो याद रखेंगे अनंत हो सकती है, कितना हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ना काफी शानदार दिया हुआ है आपको, यहाँ पर बहुपद दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई छः एक्स माइनस टू के शून्य के निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको समीकरण में सजा लीजिए, एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाई सिक्स एक्स और माइनस टू है, ठीक है। हम इस छः जो बटा में दिया हुआ है उन सभी को हम क्या करेंगे, सब में गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से छः से गुना करेंगे तो छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में, और इधर क्या बचेगा, यहाँ से अगर मैं छः से गुना कर देता हूँ, छः से छः कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स माइनस छः से गुना करेंगे तो छः दुना बारह, अब यहाँ देखिए बारह से कितना हुआ, बहत्तर लाना आपको क्या है, बहत्तर माइनस बहत्तर लाना है, ठीक है। और जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, एक प्लस में एक आना चाहिए, ठीक है। तो नौ गुने आठ करेंगे तो नौ आठ कितना हुआ, बहत्तर हो जाएगा। तो ये आपको है ना क्या लाना है, ये प्लस में बहत्तर माइनस में लाना है बहत्तर, तो यहाँ देखिए इसको प्लस इधर इधर माइनस रख दिया, प्लस माइनस क्या होगी, माइनस बहत्तर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से नौ में से आठ जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, प्लस में बचेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ भी वही यहाँ पर लिख देंगे छः एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस नौ एक्स माइनस आठ एक्स माइनस बारह इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको शून्य का निकालना है तो जीरो लिखना पड़ेगा, ओके। चलिए इसमें दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वैसा हम कॉमन लेंगे जो दोनों काटेगा, ठीक है, दोनों संख्या को कटेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें से हम तीन एक्स कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बचेगा, तो तीन के बाद में छः दो एक्स बच जाएगा, ओके। अब यहाँ से तीन के बराबर नौ का मरता था तो तीन मरता था, प्लस तीन बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सर मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो हम चार एक्स कॉमन ले देते हैं, ठीक है, चार कॉमन ले देते हैं, तो चार के बराबर आठ क्या मरता था, दो एक्स, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस होएगा ना,
अब यहाँ से चार पर हमें 12 का मतलब था, 3 मतलब था, ठीक है। अब बराबर क्या लिखेंगे, 0। ओके, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर दोनों संख्या क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से 2x+3 एगो क्या होगा जी, तो एगो आपका है ना 3x, ये जो बचा ना ये 3x और -4, ठीक है। तो -4 इसका टू क्या लिखेंगे, 0। ये जो 0 है ये दोनों संख्या के बराबर है, तो इस तरह से हमको बांट देना है 0 एक मतलब क्या लिखेंगे, 3x-4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। यहाँ से 2x बराबर क्या होगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या होगा, x बराबर जो है ना -3/2 हो जाएगा, ठीक है। -3/2 कहाँ दिया हुआ, देखिए -3/2 यहाँ पर दिया हुआ b में, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एगो आंसर निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिया था, तो 3x क्या लिखेंगे, 3x-3x=4, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 4/3, ठीक है। तो देखिए 4/3 भी आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर दिया हुआ है आपको बी में दिया हुआ, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है आपको, बी में दिया हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए -3, देखिए पहला में क्या आया था, -3 आया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए -3/2, तो -3/2 और 4/3, तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, समझा रहे बाबू, बाबू चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मैंने बाबू लल्लर टॉप प्रश्न दिया हुआ है और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जो है जवाब एक एक करके देंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए इसका आंसर क्या होगा जी, तो देखिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो इस काफी संदर्भ दिया हुआ है और कहता है कि यदि बहुपद यदि द्विघात बहुपद px²+3x+p के एक शून्य जो है ना आपको -2 दिया हो, तो p का मान क्या हो। तो जब भी इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा और एक शून्य आपको दिया होगा, ठीक है, तो अब याद रखिएगा वो जो शून्य दिया होगा ना, ठीक है, तो वो आपको जो है ना x का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ क्या होगा x को वहाँ वहाँ क्या रखना है आपको, तो -2 रखना है। ओके, तो यहाँ से px²+3x+p आपको होता है एक शून्य का आपको निकालना है, शून्य का निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0 रख देंगे। ओके, अब यहाँ से x का वैल्यू आपको -2 रखना है, ठीक है। तो p^-2 और उसका क्या होगा, x से जब मैंने 2 रख दिया -2, तो यहाँ पर -2 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस का प्लस 3^3 और x से जब -2 रखना है प्लस में और p का p हो जाएगा, उसके बाद बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, p का p और 2 का स्क्वायर क्या होगा जी, 4, तो -4 उसके बाद यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3^6 और +p बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे गुना करेंगे 4p का 4p और उसके बाद -6+p इसका टू क्या हो गया जी, 0 हो गया। ओके, अब यहाँ से 4p और एक पी क्या होगा, 5p अब -6^2 0 यहाँ से 5p बराबर क्या निकलिए, तो 6p बराबर क्या होगा, तो p बराबर 6/5 ऑप्शन नंबर देखिए, तो 6/5 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सही आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको है ना सारा का सारा प्रश्न बनाना है और ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कहता क्या, देखिए कहता है कि यदि बहुपद जो है ना, ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है आपको x²-6 -kx और उसका +8 x²-kx+8 कहता है इसके योग जो है ना शून्यकों का योग मतलब α+β बराबर दिया हुआ 6, ठीक है। तो k का मान, तो α+β का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 6 दिया हुआ, ठीक है। अब b का मान कितना है, तो देखिए ये a का मान, ये आपका b का मान, ये आपका c का मान, b का मान -k है, ठीक है, क्या है, तो -k यहाँ पर -k क्या होगा, +k अब बट्टा में a का मान कितना है, तो a का मान ना कुछ हो तो क्या है, 1 है, बराबर 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k × k 6 × 6 k का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ, अगला प्रश्न कहता है, हाँ अगला प्रश्न जो दिया हुआ है ये हिंट्स वाला सवाल है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये हिंट्स वाला सवाल है और ध्यान पूर्वक इसको गौर लगाकर देखिएगा, अगर आप गौर लगा के नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत आराम से देखने वाला है और गौर लगा के बहुत देखेंगे। ओके चलिए, हाँ जी, तो यहाँ देखिए हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिया हुआ क्या है कि देखिए 10 2y अब बराबर दिया हुआ 25, तो आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है तो 10-y का मान किसके बराबर होगा, ये नहीं पूछ रहा है,
10 माइनस वाई का मान जो है आपको किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है सवाल, ठीक है। तो देखिए जैसे इसको पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इजी से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 10 और y, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, कि यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में अभी 2 दिया था तो मैंने 2 रख दिया, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 25 हो जाएगा, ओके। चलिए बहुत अच्छा है, अब देखिए मैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो 1 बाय, देखिए वहाँ पर लिखेंगे 1 बाय 10 माइनस वाई, ठीक है, और उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों का क्या होगा जी, स्क्वायर हो जाएगा, ओके, दोनों स्क्वायर बराबर क्या होगा 25। अब सर इतना को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, तो देखिए इसका हिंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 का 1 हो गया, 1 का 1 अब बट्टा में, अब देखिए 1 का 1 अब बट्टा में, इसके हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 बट्टा में क्या लिख सकते हैं, 10y लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 10y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए तो 1 बट्टा 10y हो जाएगा, अब ठीक है, 1 का 1 ऊपर में क्या हुआ, 1 का 1 अब बट्टा में, अब यहाँ देखिए और गुने उसका जो व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा ऊपर में जाएगा, 10y अब बट्टा में, अब 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, 10y बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 10 इतना को हम 10y² को हम इतना नहीं लिख सकते, इतना ही लिख दिया, ओके। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा बट्टा में, अब यहाँ से देखिए 10 माइनस y उसके क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ 25, ओके। चलिए बराबर 25 लिख दिया, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखिए क्रॉस गुना कर देना, क्या होगा, क्रॉस गुना इस तरह से गुना कर देना, ठीक है। तो यहाँ से गुना जो करेंगे तो क्या होगा जी, तो 10 माइनस y, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, तो 10 माइनस y और उसका स्क्वायर गुने 25 और बराबर क्या होगा जी, तो 1 से गुना करेंगे इधर तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 माइनस y और उसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 में से 1 जाएगा क्या हो जाए 25, नहीं सॉरी ये क्या हो गया, 1 बट्टा में गुना में, तो इधर में आएगा तो 25 में हो जाएगा, ओके, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब यहाँ से आपको आना, आपको यहाँ से देखिए अब इसको हम स्क्वायर हटाएंगे, क्या निकालेंगे स्क्वायर, तो 10 माइनस y बराबर क्या होगा जी, तो रूट अंडर में जाएगा, ये स्क्वायर रूट अंडर में, तो 1 बटा क्या होगा 25, अब 1 का वर्ग कितना होता है 1 बटा 25 का कितना होता है 5, 1 बटा क्या होगा, तो 10 माइनस y बराबर कितना आया, तो यही ना आपको पूछ रहा है, 10 माइनस y बराबर क्या होगा 1 बटा 5 हो जाएगा, क्या होगा 1 बटा 5 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो काफ़ी शानदार दिया हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, और 80% ऐसा क्वेश्चन जो कि टकराने वाला है, ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। हाँ देखिए कहता किए कि किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय इतना 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 का अनंत हल, तो अनंत हल मतलब अनगिनत हल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 by a2 बराबर होता है b1 by b2 अब बराबर क्या होता है c1 by c2 होता है, ठीक है। अब a1 का वैल्यू डाल दिए तो a1 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ 1 बट्टा में a2 का वैल्यू यहाँ a2 होगा, ठीक है, a2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 5, तो यहाँ ले देंगे 5 बराबर b1 का वैल्यू क्या रखना है, तो b1 का वैल्यू आपको दिया हुआ 2 बट्टा में b2 का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो b2 का वैल्यू आपको दिया हुआ क्या भाई यहाँ पर दिया हुआ k, ओके k ले देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला भी आप ऐसे निकालेंगे ना, इसका b1 का b2 का भार मान रखेंगे, c1 c2 का मान रखेंगे, तो वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से k से गुना करेंगे, k बराबर 5 से 5 दुना कितना हुआ 10, तो k का मान कितना हुआ जी 10 आ जाएगा, ओके। चलिए वेरी गुड, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं, 9 में दिया हुआ है, कहता है यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे, ठीक है। तो देखिए 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसमें क्या कह रहा है समझिए, उसके हल अनंत है समझिए, तो अनंत हल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जानते हैं ना जी, a1 by a2 बराबर क्या होता है b1 by b2 बराबर क्या होता है c1 by c2 होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो ना ये रेखा इस रेखा के बराबर है, इस रेखा के बराबर, तो कहने का मतलब इस ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों क्या है आपस में क्या है समांतर है, ये दोनों आपस में क्या है
समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ठीक है। तो दो समांतर रेखाएं हो जाएगा, कितना होगा, दो समांतर रेखाएं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण इसका घात दो नहीं होगा उसके क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 में, क्या दिया हुआ है देखिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जो इसको हम क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे और इसको इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस टू उसका स्क्वायर इसका क्यूब और बराबर क्या होगा, एक्स एक्स से इसमें गुणा, तो एक्स क्यूब उसके बाद माइनस और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये बहुपद द्विघात समीकरण होगा, यह भी द्विघात का घात दो दिया हुआ, यह भी होगा, यह भी करेंगे तो इससे इसमें गुणा, तो एक्स स्क्वायर और इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस टू एक्स, इससे इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस टू एक्स और उसके बाद यहाँ पर माइनस 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 चार। तो इस तरह से हम देखिए इसका भी स्क्वायर किया, ये नहीं हुआ, बट्टा में देखिए बट्टा में एक्स दिया हुआ, ठीक है। कभी भी याद रखेंगे जो बहुपद होता है उसके बट्टा में अगर एक्स होगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा, इस बात को याद रखने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। हाँ चलिए, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। कहाँ गया भाई, हाँ याद है, दिया हुआ है आपको कि यदि तो यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल बराबर, जब मूल बराबर कह रहा है, ठीक है, तो d बराबर क्या होगा, जीरो, तो कहता है c का मान क्या होगा, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो कहेगा वही का फॉर्मूला लगाना है, ओके। तो जीरो बराबर b का मान क्या है, तो b का मान आपको है ना यहाँ पर b दिया, ओके। तो यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर, तो ठीक है, बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, इसी लिख देंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको c निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है आपको, c। तो जैसे c निकालें तो इस पद में, तो इधर लाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर चार ए सी बराबर क्या होगा, बी ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चार ए सी बराबर क्या होगा जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बी ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, हाँ माइनस में हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से आपको c निकालना है, क्या निकालना है, c। तो c बराबर जो होगा माइनस बी स्क्वायर बट्टा में, माइनस बी स्क्वायर, हाँ बट्टा में क्या होगा जी, तो माइनस चार ए हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बट्टा में चार ए, देखिए बी स्क्वायर बट्टा में चार ए कहाँ दिया हुआ, तो देखिए बी स्क्वायर बट्टा में चार ए यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा सही आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए लार्जिनल टर्म प्रश्न आ गया और ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ये क्वेश्चन तो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है, कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब ए नॉट इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में क्या होगा, टू ए। अब देखिए ऐसा है कहाँ, बी स्क्वायर में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में टू, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 तो बढ़ते 13 में दिया हुआ कि जब एपी के प्रथम पद दो है और सारा मतलब क्या दिया हुआ, तीन, तो इसका तीन पद, अगला तीन पद निकालना, ठीक है। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ, दो, और सारा मतलब क्या दिया हुआ, तीन, ठीक है। तो ए बराबर को दिया हुआ दो और सारा मतलब डी बराबर दी तीन, तो अगला तीन पद, तो पहला ए होगा, दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी होगा, तीसरा क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा, ओके। और यहाँ से ए का वैल्यू दिया हुआ दो, तो यहाँ पर लिख दें दो, ओके। उसके बाद ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान आपको दिया हुआ दो, तो दो प्लस डी का मान तीन दिया हुआ। उसके बाद कॉमा ए का मान फिर दो प्लस दो अगुने तीन, तो यहाँ पर से दो अगुने और तीन दोनों कितना हुआ पाँच, कॉमा यहाँ से दो और पाँच देखिए, यहाँ पर दो और पाँच दो पर दोनों में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो और तीन दोनों छः और दो कितना हुआ आठ, तो यहाँ पर आठ हुआ, ओके। अब देखिए आठ कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ, बी में राइट आंसर, ओके, हाँ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, देखिए अगला प्रश्न आपको जो दिया हुआ है देखिए, हाँ यही नहीं दिया हुआ है, कहता है कि यदि ए यानी एन पदों वाले एपी का योग, ये आपको योग योग दिया हुआ, मतलब एस एन पद दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ, इतना दिया हुआ, ठीक है। कहता है छवा पद क्या हुआ, ठीक है, तो आपको ए छ पूछ रहा है, क्या छवा पद, ठीक है, छवा पद पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आप लिखते हैं ए छ यानी कि ए सिक्स बराबर क्या लिख देते हैं, ए फाइव माइनस ए फोर, ये नहीं लिखते, ओके, ये नहीं लिखते हैं, बिल्कुल, ठीक है।
तो ए छः बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए। तो ए छः बराबर जो है ना, हम लोग आराम से जो है ना इस फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, छः को कह रहा है ठीक है, सबसे पहले ए यानी एस एस दिया हो ना एस एन में टी, ठीक है तो एस छ माइनस एस फाइव, ओके इस तरह से कर देंगे, समझ में आया। चलिए एस हो गया यहाँ पे एस छ, ओके। अब यहाँ से एस छ और एस इन, इन क्या है यहाँ पर आपको छ देना, पहले यहाँ पर रखना है इन के जगह क्या रखना है छ रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एन के जगह आपको छ रखना है इस पद में, ठीक है। तो एन स्क्वायर और उसके बाद प्लस टू एन और प्लस वन, ठीक है, इसमें आपको छ रखना है, छ का स्क्वायर प्लस टू गुने छ उसके बाद प्लस वन, ठीक है, माइनस का माइनस, ठीक है। अब फिर एन स्क्वायर प्लस टू एन माइन प्लस क्या दी भाई, हाँ ठीक 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 वन, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, एन के जगह क्या रखना है फाइव रखना है, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और एन के जगह फाइव, तो पाँच का स्क्वायर और प्लस टू गुने पाँच प्लस वन, ओके। यहाँ से छः का स्क्वायर छत्तीस प्लस छः दुना बारह कितना हो तेरह, और माइनस पाँच का स्क्वायर कितना हो जी, पाँच का स्क्वायर पच्चीस और पंद्रह दस एक ग्यारह ग्यारह, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, तो छः तीन नौ उनचास हो जाएगा, ठीक है, और माइनस छत्तीस उनचास में छत्तीस जाएगा क्या हो जाएगा तेरह बच जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी हो जाएगा राइट आंसर, ओके हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सेट किया गया प्रश्न है, यह भी क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखने का कोशिश करें सभी विद्यार्थी, कमेंट करेंगे इसका जवाब, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न कहता है, देखिए कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना और इतना का सार अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए 18 का सबसे पहले फैक्टर तोड़ लीजिए, ठीक है, 18 का तोड़ेंगे तो 9, इसको लगाएंगे तो क्या होगा 3 से लगाएंगे तो 3, दोनों का जोड़ा मिल गया, जिसका जोड़ा मिल गया उसको बाहर, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंडर, तो क्या होगा जी 3√2 हो जाएगा, ओके। अब इसको हम 50 का तोड़ेंगे तो क्या होगा जी, तो 50 का जब तोड़िएगा ना तो 5√2 हो जाएगा, ओके। अब इसका सार अंतर क्या ज्ञात करना, ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए टू माइनस ए वन होता है, ए टू का मान कितना दिया हुआ तो 5√2 दिया हुआ है बिल्कुल, ठीक है, और ए वन का मान कितना दिया 3√2, ओके। 5√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या होगा 2√2 बचेगा, क्या बचेगा 2√2 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ओके हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ रहा बाबू, जल्दी बताओ कमेंट में करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एल एम समांतर है तो ए का मान क्या होगा, ठीक है, आपको एल एम समांतर आपको दिया होगा, ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है ए का वैल्यू पूछ रहा है, ओके। तो देखिए इसके दो तरीका है बनाने के लिए, सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है उसको समझिए, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कहता है 3a + 60°, ओके, और उसके बाद दिया हुआ क्या, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 4a उसके बाद +40°, यही ना दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पर ये ना माइनस ए बराबर क्या बचेगा, माइनस ए प्लस क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस लगाइए तो यहाँ पर +20 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस ए बराबर माइनस बीस उधर लाएंगे तो बराबर 0 लाएंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या ए बराबर क्या होगा 20°, ऐसे निकाल सकते हैं, या आपको ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है कि ये देखिए ये कोण और ये कोण क्या है एकांतर कोण, ठीक है, तो जितना ई कोण होगा उतना ही ई कोण के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, ये ना होगा, ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे 3a + 60°, अब बराबर क्या होगा 4a + 40°, ये ना होगा, ओके। अब यहाँ से 3a - 4a क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस बढ़ जाएगा, ठीक है, अब बराबर क्या होगा जी 40 - 60°, ओके। यहाँ से 3 में से 4 जाएगा तो माइनस ए बराबर -20, माइनस माइनस कट गया, ए का मन क्या होगा 20°, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, सोच सोच के बताइए बनाइए कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और कैसे हमको टाइम बचाना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए, इसलिए रट लीजिए फटाफट जो है ना क्वेश्चन, देखिए मैथ कभी भी रटा नहीं जाता, ठीक है, इसलिए समझिए कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, क्योंकि मैथ कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है, बाकी वाला इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि इतना 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 त्रिभुज में यानी कि समांतर है तो एल ई का मानिए, आपसे ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, ओके। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे पढ़ने के अनुसार क्या पढ़े हैं, ठीक है, कि ए ए डी बट्टा डी बी और उसके बाद ए ई बट्टा क्या होता है ई सी होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ई एल बट्टा में क्या हुआ जी एल एफ, ओके, बराबर क्या देगा ई एम कुछ भी दे गया आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
एमजी, ओके इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। एल का मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे एल का एल रहने देना, ठीक है, एल बट्टा में एली, एली का मान दिया हुआ है 7.2, ठीक है, 7.2 बराबर इसका मान दिया हुआ है 1.8 और उसका मान दिया हुआ क्या 5.4 दिया हुआ, ठीक है। 18 का मैं 18, 18 54, 1/3 क्या हुआ 3, अब इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो 3EC बराबर क्या होगा जी, इससे इसमें गुना करेंगे तो 7.2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से EC बराबर क्या निकालेंगे, तो 7.2 बट्टा में 3, इसको काटेंगे ना तो 2.4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते हैं। 18 में जो दिया हुआ प्रश्न कहता है कि यदि ABCD समरूप है कि किसके, पी क्यू आर के, तो कहता है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे इसका जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है पूछेगा, समझिए, तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट इस बात को याद रखेंगे और सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात, ये भुजा आपको दिया हुआ, ठीक, उसके वर्ग के बराबर होता है, इसका वर्ग करेंगे 2/3 का क्या करेंगे, वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, 4/9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। 19 में दिया हुआ है कि बिंदु 2.3 वाले की मूल बिंदु की दूरी क्या होगा, ठीक है, तो मूल बिंदु से होगी, ठीक है, तो दूरी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो दूरी जो है ना फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए उसके लिए जो है ना आराम से शॉर्टकट का फॉर्मूला भी होता है, s² + y² यहाँ पर, क्योंकि दो ही संख्या दी हुआ, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ जी 9, ठीक है, तो 4 9 कितना हुआ 9013, रूट क्या हुआ 13, ऑप्शन नंबर क्या हुआ जी सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 के बढ़ते 20 में दिया हुआ बिंदु कि -5.7 और क्या दिया हुआ -1.3 के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि h2 - x1 यह भी होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होगा होल स्क्वायर, यह भी फॉर्मूला होता है कि x1 - x2 का क्या होगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर करते हैं तो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, y2 का होल स्क्वायर, ओके यहाँ से यही रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको x1 का मान ये है और x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान, ओके यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो x1 का मान क्या दिया होता है -5, तो -5 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -1, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे -1, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, रूट अंडर में, उसके बाद प्लस का प्लस y1 का वैल्यू कितना दिया था, देखो y1 का मान आपको 7 दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 माइनस, अब y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको जो बचा है यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर -5 और -1 तो 5 में से 1 जाएगा तो -4 बचा, -4 बच गया, उसका क्या होगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस का प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर फिर करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 रूट अंडर में क्या होगा 32, तो 32 का रूट कितना होता है, तो 32 का जब आप रूट निकालोगे तो कितना निकलेगा याद रखना, ठीक है, जैसे फैक्टर तोड़ लीजिए, यहाँ पर देखिए फैक्टर तोड़ के बता देते हैं, 16 हो जाएगा, इसका क्या होगा 8 हो जाएगा, ओके, इसका क्या होगा 4 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ना होगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो 16 का देखिए जोड़ा लगा, इसका जोड़ा मिल गया, तो 4 रूट क्या होगा जी 2, दोनों में से 1 हो और इस दोनों में से 1 हो, जिसका जोड़ा नहीं मिला उसको अंदर, ठीक है, 4 रूट 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते ए, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, आपको ज़रा सा भी इसमें मिस्टेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ ए, ओके यहाँ पर क्या दिया हुआ ए दिया हुआ, ठीक है, चलिए तो यहाँ दिया हुआ इतना और इतना और इतना का दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि x2 और का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का क्या होगा होल स्क्वायर, ओके, और रूट अंडर में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x1 का वैल्यू दिया हुआ तो a cos थीटा माइनस x2 का क्या मान दिया हुआ था 0 दिया हुआ था, यहाँ पर 0, ओके, उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर में आ लेते हैं, ठीक है, प्लस का प्लस
और y1 का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो y1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 माइनस, अब y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर a साइन थीटा, ओके, उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहाँ पर घटा कर मैंने स्क्वायर कर दिया, ओके। चलिए इसको भी घटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर सुनिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ना हो गया, ओके। अब ये देखिए ए और ए दोनों में ये है ना, हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर में है, ठीक है। तो रूट अंडर में सबको लगाएंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है, ए स्क्वायर। तो यहाँ आपसे देखिए इसको निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का कितना होगा, ए होगा निकलेगा, ठीक है। ए का रूट कितना निकलेगा, ए निकलेगा वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही आंसर, समझ में आया, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यह भी काफ़ी शानदार सेट किया गया क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। समझिए देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। कहता क्या है, यदि त्रिभुज के शीर्षक के नियामक इतना 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 का है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे ए बी सी, अब दिया हुआ 0.8 ए का मान, बी का मान 0.0 दिया हुआ, ठीक है, और सी का मान 6.0 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना, आपको ए भी निकालना है, ठीक है। तो परिमाप निकालना, तो परिमाप के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है पहले ए बी, ओके। तो ए बी बराबर हम लिखेंगे फॉर्मूला दूरी सूत्र का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, तो ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये आपका एक्स टू है और ये वाई टू, ओके। या एक्स वन का मान क्या दिया हुआ था, 0 दिया हुआ, ठीक है। तो 0 माइनस एक्स टू का वैल्यू दिया हुआ 0, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, ओके। प्लस y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो देखिए y1 का मान दिया हुआ 8 माइनस y2 का मान 0 दिया हुआ, उसका स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर में क्या लगाएंगे, तो 64 कितना होता है 8, इसका मान आपको निकल गया 8, ओके, इसका मान आपको निकल गया 8, ओके। अब यहाँ से देखिए इससे इसमें आपको निकालना बी सी निकालना है, क्या निकालना है, बी सी, ओके। यहाँ लिख देंगे बी सी, बी सी बराबर, अब देखिए इसका भी फॉर्मूला होगा, ये एक्स वन हो गया, ये आपका वाई वन हो गया, ये एक्स टू हो गया, ये आपका वाई टू, ओके। एक्स वन का मान क्या दिया हुआ था, 0 माइनस एक्स टू का मान 6 दिया हुआ, और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट अंडर में लगाएंगे, ओके। यहाँ पर रूट अंडर मान लीजिए, ठीक है। प्लस में वाई वन का वैल्यू कितना, 0 माइनस वाई टू का वैल्यू 0 दिया हुआ, उसका स्क्वायर, ओके। चलिए अब यहाँ से देखिए 6 में से 0 है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, रूट अंडर में 36, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 36 का कितना हुआ, 6, ठीक है, इसका मान आपका निकल गया 6, ठीक है। अब इसका ए सी का निकालना है, क्या निकालना है, ए सी बराबर क्या निकलेगा, तो ए सी को आप यहाँ पर एक्स वन मान लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई वन, यहाँ पर एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये एक्स टू हो गया, ये आपका वाई टू हो गया, ठीक है। तो एक्स वन का वैल्यू दिया हुआ 6 और वाई वन का वाई टू, एक्स टू का वैल्यू दिया हुआ है 0, एक्स वन का मान वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, एक्स टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया, ओके। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाएंगे रूट अंडर में, ठीक है। तो एक्स वन का मान 6 0 दिया, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस में वाई वन का मान 0 और वाई टू का वैल्यू कितना 8, तो 0 माइनस 8, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, रूट अंडर में, ये सब रूट अंडर में, ओके। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 8, ही दोनों में से घटाने के बाद ये आपको है ना वर्गमूल निकालना है, 8 का स्क्वायर 64 ना होगा, सॉरी 64, तो 100 हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 100, 100 का कितना होता है 10, इसका क्या निकल गया 10, आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी ना, तो ए का मान 8, तो 8 प्लस बी का मान क्या हुआ 6, तो 6 लिख देंगे, प्लस सी का मान क्या दिया हुआ, सी का मान 10 दिया हुआ, 10 लिख देंगे, ठीक है। सबको जो है 8 14 14 10 कितना हुआ 24, क्या हुआ जी 24 इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है, देखिए 24 इकाई कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ओके। चलिए वेरी गुड, अगला प्रश्न दिया हुआ, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 में, कि यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec² θ प्लस 2 tan² θ माइनस 7 का मान क्या होगा। तो देखिए आपको दिया हो गया 3 cos थीटा बराबर दिया, दो यहाँ से cos थीटा निकले, तो
कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 2/3, ठीक है 2/3। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है ल आ ल क क आ, ओके लंब बटा कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया, को आधार बटा कर्ण कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, और लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसी का उल्टा कर दिए, साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा और टेन का कॉट हो जाएगा, ठीक है इसी का उल्टा कर देना, बस हो गया। इसको पलट देना है, इसको ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है ना जी, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है आप लोग जानते हैं, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने बताया ना अभी कि आधार बट्टा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, बी बट्टा में और कर्ण का मान क्या होगा जी, तो बी बट्टा में एच हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको निकालना क्या है भैया, तो पी निकालना है, क्या निकालना है पी, तो पी बराबर रूट अंडर में क्या होगा जी, तो आपको होना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ना जी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एच का मान कितना दिया, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस रूट अंडर में, उसके बाद बी का वैल्यू कितना दिया, तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 9 में से 4 तो क्या होगा रूट अंडर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या आ गया, तो पी का वैल्यू आपको बी का वैल्यू 2 हो गया और एच का वैल्यू आपको देना 3 हो गया, और पी का वैल्यू क्या हुआ रूट अंडर में 5 हो गया, ठीक है। आपको निकालना है कि 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 का 2 और sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप पहले ये जानिए, ठीक है। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि h बट्टा में b होता है, ये ना होता है जी बिल्कुल ठीक है। उसका क्या करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस में 2 का 2 आप और यहाँ पर गुने और टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बट्टा में एच नहीं नहीं बी होता है, पी बट्टा में बी हो चाह पी बट्टा में बी होता है माइनस 7 का 7, ओके 2 का 2 अगुने और यहाँ से क्या करेंगे बताइए, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 का 2 गुने और एच का मान दिया हुआ है, ठीक है कितना दिया हुआ है, देखिए एच का मान आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 इसका 3 बट्टा में और बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान आपको दिया हुआ है 2, ओके उसका स्क्वायर, ठीक है प्लस में 2 का 2 गुने और पी का मान कितना है रूट 5, ओके अब बट्टा बी का मान कितना है तो 2 है, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, उसका माइनस 7 का 7, ओके समझ में आ रहा है, सही मान रखें ना सही बिल्कुल ठीक है सही रखा हुआ, चलिए हाँ चलिए। यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, 2 का 2 अगुने और 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 2 का 2 अगुण्य इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यह 5 बचेगा, बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 7 का 7, ओके यहाँ से 2 दूना 4, ओके ये ना हो गया यहाँ से 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ से 9/2 अब प्लस में इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5/2 और माइनस 7, ओके दोनों का एलसीएम तीनों का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, तो 9+5 और माइनस 7, 9 5 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 एक के बराबर 2 का मतलब 2 मतलब 2 से 2 साथ कितना हो 14 हो, ठीक है। तो 9 5 14 में से 14 क्या बचेगा 0/2, क्या हुआ 0, क्या हुआ जी 0, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके हाँ बिल्कुल ठीक है समझ में आया। देखिए नहीं इधर ना होगा, इसका नंबर बोला इसका डी हो जाएगा, ठीक है ए हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा, इसी ना सॉल्व किए थे बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है चलिए आगे बढ़े बाबू। हाँ अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं, और 24 में जो दिया हुआ है उसको बेहद ज़रूरी है समझना, ये क्वेश्चन आप समझ गए तो बहुत ईजी है, ठीक है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हुआ है, ठीक है इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लगभग बनाया हूँ, ठीक है अभी भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कहता है sec थीटा प्लस tan थीटा और इंटू में दिया हुआ है कि 1 - sin थीटा, से थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 cos थीटा प्लस में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ओके और इंटू में क्या होगा जी, तो 1 - sin इसको नो चेंज। अब बच्चों बताओ दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा तो 1 का प्लस और यहाँ पर कॉस से कॉस कटेगा तो साइन थीटा, ठीक है। अब इंटू में क्या होगा जी 1 - sin थीटा, यहाँ से देखिए
वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, तो एक का स्क्वायर कितना होता है एक, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो क्या बच गया एक कॉस थीटा बच गया, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर सी हो जाएगा सही आंसर ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो ना बहुत बार पूछ चुका है और ये मेरा गारंटी है कि ये जो ना ये भी पूछने का संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में है ठीक है। कितना है नौ सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस नौ टेन स्क्वायर ए ओके, तो कहता है नौ, देखिए दोनों में नौ तो नौ कॉमा ले लिए ठीक है, तो यहाँ पर बच गया सेक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए का मान कितना एक बटन नौ, नौ सेक में क्या होगा नौ जगह ऑप्शन नंबर बी जगह सही आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ कहता है कि एक बटा रूट थ्री जो है ना किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे टेन किसके बराबर होता है टेन साठ डिग्री का होता है ठीक 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 बिल्कुल टेन थ्री डिग्री टेन टी डी क्या होता है टेन टी डी का मान होता है एक बटा रूट थ्री ओके समझ आ रहा है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है ठीक है, तीनों का कोण हो तो कहता है साइन बी प्लस सी बटा टू किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है ठीक है, तो साइन बी प्लस सी जो है ना किसके बराबर आपसे पूछ रहा है ठीक है, ये ना पूछ रहा है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको त्रिभुज दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी ठीक है, अब इसका तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री क्योंकि तीनों तीन को त्रिभुज दिया हुआ ठीक है, तीनों को कोण दिया हुआ है तो तीनों कोण का मान कितना होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या कितना डिग्री 180 डिग्री, आपको निकालना है बी प्लस सी ठीक है, तो बी प्लस सी अब बट्टा में क्या लिखेंगे टू, यहाँ पर देखिए दो है ना तो दो अब बराबर इधर भी क्या हो जाएगा 180 बट्टा में क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना जल्दी बताओ, हाँ ये ए जो है ना उधर जाएगा तो माइनस में ही हो जाएगा ओके, अब बट्टा में टू हो जाएगा ठीक है। चलिए वेरी गुड, अब यहाँ से निकालना है बी प्लस सी बट्टा में टू बराबर, अब यहाँ से देखिए दो के बराबर में 90 काटेंगे तो क्या होगा जी, तो इधर आपको है ना देखिए इधर आपको साइन दिया हुआ है तो दोनों तरफ से साइन लगा लीजिए, क्या लगाएंगे साइन थीटा, इधर भी लगाएंगे साइन थीटा ओके। चलिए तो यहाँ पर लिखा गया साइन थीटा और यहाँ से दो के बराबर 90 माइनस और ए का ए बचेगा ठीक है, अब बट नहीं नहीं इसको भी भाग कर दीजिए दो मरत ठीक है, क्योंकि ये दो जो है ना इसको अलग अलग कर देना ओके, तो दो से इसको भाग करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा ना जी बिल्कुल, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस कॉस और थीटा का क्या दिया हुआ है ए बट्टा में टू दिया हुआ ओके, ए बट्टा में टू तो कॉस क्या हो गया हाँ कॉस ए बट्टा में टू ऑप्शन नंबर सी 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 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हो, 28 में जो दिया हुआ प्रश्न कहता है एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित एक बिंदु बिंदु पर मीनार की जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री बनता है ठीक है, एक मीनार है उसके 100 मीटर दूरी है ठीक है, इसकी दूरी तो यह दिया हुआ 100 मीटर ठीक है, आपको ऊंचाई आपको निकालना है ठीक है, ये जो कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो देखिए जैसे उन्नयन कोण पूछता है तो मैं आपको बहुत बार बताया कि टैन थीटा का फॉर्मूला लगाया है ठीक है, तो टैन और कितना डिग्री 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो रूट थ्री हो जाता है ठीक है, नहीं नहीं टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पहले ना लगाना है जी बिल्कुल ठीक है, नीचे लगाएंगे ना पहले पहले उसका तो वैल्यू रखना ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं जी बिल्कुल ठीक है, वो क्या होता है पी बट्टा में बी हो जाता है, ये नहीं होता है हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये आपका बी हो गया ये आपका है ना पी हो गया ठीक है, तो टेन 60 का मान कितना रूट थ्री अब बराबर क्या होगा जी पी का मान क्या दिया हुआ, तो पी का मान आपको एच दिया हुआ तो एच बट्टा में बी का मान क्या दिया हुआ तो 100 ओके, अब यहाँ से एच निकालेंगे क्रॉस गुना कर देना ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा तो 100 रूट थ्री हो जाएगा ठीक है, 100 रूट थ्री का दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कहता है कि सरल आरेख एक्स प्लस टू, एक्स का मान दो दिया हुआ और वाई का मान दिया हुआ माइनस टू ठीक है,
तो देखिए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x का मान आपको दिया हुआ कितना है, तो x का मान यहाँ मान लीजिए 2 दिया हुआ, ठीक है। और y का मान कितना दिया हुआ, तो y का मान -2 इधर होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ आपको 2, ओके। अभी जो रेखा खींचेंगे तो इस तरह से क्या करेंगे, ये एक दूसरे के क्या करेंगे, लंबवत है, क्योंकि इधर से दोनों रेखा क्या लंब है, लंब है, इस पर भी ये लंब है, इस पर भी ये लंब है, ठीक है। तो ये क्या एक दूसरे के लंबवत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ, कहते हैं एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा क्यू के केंद्र से जो दूरी है, क्योंकि जो केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो वृत्त बनाया गया, ठीक है, अब यहाँ से केंद्र से जो दूरी है, समझिए आपको यहाँ दिया हुआ क्यू, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींचा गया, अब फिर से इसकी जो दूरी दिया हुआ है आपको, वो आपको दिया हुआ 25 है, इसका दिया हुआ 24, ठीक है, ये आपको दे दिया हुआ, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं दिया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या कर रहा है, तो आपको कह रहा है इसकी दूरी क्या है, इसकी त्रिज्या आपको निकालने के लिए बोल, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या आपको लंब निकालना है, बिल्कुल ठीक है। तो लंब जो निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, ये ना होगा, बिल्कुल ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ कर्ण कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस आधार कितना, 24, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 रूट अंडर में, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 49 आएगा, रूट अंडर में 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा सही से, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो वृत्त तो है ना कि वृत्त है, उसके केंद्र पर, इस केंद्र पर जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक कितनों रेखा खींचेंगे, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि वृत्त में जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ देखिए, कथा क्या है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त की क्षेत्रफल का योग जो है ना आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर वन स्क्वायर, और उसके बाद जो है ना प्लस में इस दोनों का, दो वृत्त आपको दिया हुआ, ठीक है, तो पाई आर टू स्क्वायर, ये दोनों जो है ना ये किसके बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, कहता है इसकी त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो आपको निकालना कैसे है, देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, नहीं 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 पाई से पाई कट जाएगा, नहीं तो कॉमा ले लीजिए, ठीक है, कॉमा ले लेते, ओके कॉमा ले लेते, काटते नहीं, कॉमा ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इंटू में क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसा वाला, देखिए ऐसा वाला कहाँ निकलेगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तो पाए था ना, सॉरी पाए था, तो पाए से पाए तो अब कैंसिल होगा, ओके यहाँ से देखिए, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए इस तरह से कि आर वन स्क्वायर प्लस आर टू टू स्क्वायर और बराबर क्या आर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से देखिए कहाँ दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा नियर लगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ओके चलिए, वेरी गुड। हाँ बाबू, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो काफी शानदार दिया हुआ है, और कहता है क्वेश्चन में कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वाला क्षेत्र का जो ना वृत्त की जो त्रिज्या क्या होगा, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका मान दिया हुआ 38 क्या होगा, 5। अब यहाँ से पाई का मान क्या रखना है, तो पाई का मान 22/7 रख देना, ठीक है, 7 अगुने आर स्क्वायर बराबर 38 क्या होगा, 5। अब यहाँ पर से निकालेंगे आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर जो ना इस चीज ना ये गुना में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 38.5 गुने 22 बट्टा में क्या होगा, 7 होगा ना, ये नहीं 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 7 ऊपर ना होगा, नीचे वाला ऊपर ना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जाएगा 22, ओके। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है, इसे इसमें गुना कर दीजिए और 22 से काट दीजिए, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा जी, बिल्कुल ठीक है, इसको हम 38.5 से गुना करेंगे 7 में, तो क्या होगा 296, नहीं 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 200 क्या होगा, 259.5 हाँ 5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब बट्टा में क्या होगा 22, इसको काटेंगे तो क्या होगा पता है आपको, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ से ये निकलेगा 12.5
25 निकलेगा, कितना निकलेगा 12 दशमलव 5 25। आपको निकालना आर, आर स्क्वायर दिया हो तो आर बराबर क्या होगा रूट अंडर में 25, तो जिसको निकालेंगे 3 क्या होगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जगह सही आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ वो काफी शानदार दिया हुआ क्वेश्चन कहता, देखिए कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात ए अनुपात बी है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात है, दोनों का अनुपात क्या है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 बढ़ते, कहता है एक अर्धगोले का आयतन इतना है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन पहले आपको दिया हुआ है, पहले आपको यहाँ से आयतन दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो हम अर्धगोले का आयतन भी निकाल लेंगे। ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3πr³ होता है। ओके, बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ 1904 1940। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका पाई के पदों में निकालना है, नहीं नहीं पाई का मान भी रखना है। ओके, तो 2/3 × और 22/7 × r³ बराबर 1904। ओके, अब यहाँ से r³ निकाल लिए तो r³ बराबर क्या होगा, बराबर के बाद यह लिखा होगा 1904 × नीचे वाला सब ऊपर। ठीक है, तो 3×7 × 2 में क्या होगा जी 2×22 हो जाएगा। ओके, इसको काट देना है और इसको इसको भी काट देना। ठीक है, तो यहाँ पर से r जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा पता है आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से r³ निकालेंगे तो 21×21×21 आ जाएगा। ठीक है, 21 है। ओके, तो 21×21×21 हो जाएगा, ये r निकालना है तो ये क्या होगा क्यों होगा। ठीक है, इसका क्यों तीनों में से एक हो तो क्या होगा 21 निकल जाएगा। ठीक है, अभी आपको r का वैल्यू निकल गया। ठीक है, r का मान कितना निकला है तो 21 निकल गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 3πr³ होता है। ठीक है, आर स्क्वायर, ओके ओके आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3×, अब पाई का मान क्या रखना है 22/7 × आर का मान कितना है 21×21। ओके, 7×3 और यहाँ से देखिए 66 × और इसको गुना करेंगे क्या होगा जी 63। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा पता है आपको 41/58 आ जाएगा। ठीक है, 41/58 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ओके, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है बेहद ज़रूरी है प्रश्न पढ़ने के लिए और ये क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी देखेंगे और एक करके कॉमेंट करेंगे। ओके, चलिए, हाँ दिया हुआ है कि कहते यदि एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना और इतना है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक घन दिया हुआ, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों दिया हुआ। ठीक है, तो आपका विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो रूट अंडर में क्या लगेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में क्या होगा ऊंचाई का स्क्वायर। ओके, तो लंबाई कितना आ गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस में चौड़ाई दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे। ओके, तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 200 हो जाएगा, क्या होगा 200। अब 200 से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 10√2 क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2√10√2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 बढ़ते, 37 में दिया हुआ है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो एच का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है क्या होता है जल्दी बताओ। ठीक है, तो 1/3πr² h यही होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1/3 और पाई के पदों में निकालना है तो पाई का पाई रहने देना है, गुने और आर का मान कितना दिया हुआ, तो आर का मान आपको दिया हुआ 3/6 दिया हुआ। ठीक है, 6×6 × एच का मान कितना दिया हुआ 24। ओके, तो 8 × 8 = 24 ठीक है, 6×36 तीन में 8 में गुना करेंगे, 36 से 8 में जब गुना करेंगे तो कितना आएगा पता है आपको 288 आएगा, कितना पाई 288 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो काफी शानदार दिया हुआ है और कहता है, प्रश्न देखिए कहता है कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या
एगो एगो त्रिज्या आर वन, इसको आर टू, ओके मान लिया, ठीक है। यहाँ से उसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई दिया हुआ, इसको एच मानते हैं, इसको कैपिटल एच मानते हैं। अनुपात, तो बेलन का आयतनों का अनुपात क्या पूछ रहा है, ठीक है। बेलन का आयतन का अनुपात आपसे क्या पूछ रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको जो चीज दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो बेलन का क्या दिया हुआ है, तो बेलन का आपको है ना त्रिज्या दिया हुआ, ठीक है। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ कितना, तो 3 दिया हुआ, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई भी तो दिया हुआ है, तो एच बराबर आपको ऊंचाई दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो बेलन का क्या निकाल लेंगे, अब यहाँ से देखिए शंकु का दिया हुआ, ओके, शंकु शंकु सॉरी शंकु होगा, शंकु शंकु दिया हुआ ना, शंकु की त्रिज्या आपको दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ, ओके। तो 4 बराबर, और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ कितना, 3 दिया हुआ, ओके। तो 3 ले देंगे, ठीक है। तो यहाँ निकालना क्या है कि बेलन का आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। हाँ, तो इसका जो अनुपात निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए आराम से देखिए इजी है। सर बेलन का आयतन बटा में शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच बटा में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आर का मान रखिए, तो आर का मान 3 दिया होता है, 3 × 3 गुने और 2 दिया हुआ, एच का मान तो 2, बेलन का मैं बेलन में उतना ही दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आर का मान रखना है, तो यहाँ पर 4 × 4 और एच का मान 3 दिया, ओके। तो 4 × 3 = 6, 3 × 9 = 9, 9 × 3 = 18, 18 बट्टा में 4 × 16 = 16, 16 × 16 = 48, ओके। 18 × 48 ना होगा क्या भाजी, नहीं, गड़बड़ हो गया, ठीक है। 3 3 से तो कट जाएगा ना जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 से तो कट जाएगा, ये तीन नहीं, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 है ना जी, बिल्कुल 3, तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए आपको आर स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पर आर का जो वैल्यू है 3 × 3 हो गया, ठीक है। अगुने और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ, एच का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, तो एच का वैल्यू आपको दिया हुआ 2, ओके। बट्टा में 1/3 अगुने और आर का मान दिया हुआ 4 × 4 अगुने एच का मान 3 दिया हुआ, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, तो चलेगा 16 और 18, 18 × 16 ओके। 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18 और ये 8, ओके। तो 9:8 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 9:8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, समझ में आया। हाँ भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बनाना है आपको, सोच समझकर बनाना है, ठीक है। जरा सा मिस्टेक करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसमें आपको बोल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक है। कहता है इतना इतना तक का माध्य 7 दिया हुआ है, तो कहता है इतना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जैसे 4 + 5 + 9 + 11 + x, और इसका टोटल संख्या कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, इसका माध्य दिया हुआ 7 है, 7 × 5 = 35, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29 + x बराबर हो जाएगा 35। यहाँ से x बराबर क्या होगा, 35 में से 29 जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं, 40 में जो दिया हुआ है, कहता है क्या कहता है, कहता है कि यदि यदि बंटन का माध्य और माध्यिका इतना और इतना, ठीक है। तो ये आपका मत दिया हुआ है माध्य का, माध्य दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, माध्यिका, माध्यक, माध्यक दिया हुआ, ठीक है। तो कहता है बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 × माध्य माध्यक −2 × माध्य, ये नहीं होता है, ओके। तो 3 × माध्यक कितना दिया हुआ, 4.8 दिया हुआ माइनस, और 2 × और माध्य माध्य कितना, 4.6 दिया हुआ, ओके। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, ठीक। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको जब भी गुना करेंगे तो 14.4 −9.2 इसको गुना करेंगे इतना आएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो 5 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5.2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो काफी शानदार दिया हुआ है, ठीक है। कहता क्या है, कहते प्रथम प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5 हो गया, दोनों तरफ से छांट लीजिए, बीच में जो बचा हो हमारा माध्य हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 43 42 के बढ़ते हो, 42 में जो दिया हुआ है,
कहता है सच्चाई परमार्थता का वक्र क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरण कहलाता है, याद रखेंगे ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी आंसर ठीक है। 43 में दिया हुआ है इतना इतना ना का मारिका, मारिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजाना पड़ेगा। तो 3 दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ? 6 दिया हुआ ठीक है। 6 उसके बाद क्या दिया हुआ आपको? 7 दिया हुआ, 8 दिया हुआ, उसके बाद 9 दिया हुआ, उसके बाद 10 दिया हुआ, उसके बाद 12 दिया हुआ ठीक है। इधर से तीन अंक घटा लीजिए, दोनों दो बज गया तो दोनों को जोड़ कर और दो से भाग तो 15 हो जाएगा, बट्टा में दो काटेंगे क्या होगा? 7.5 हो जाएगा। क्या होगा? 7.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि यदि एक पासे को छाला जाता है इसमें सम आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो पासा मतलब छक्का, छक्का में टोटल कितना संख्या? 6, 1, 2, 3, 4, उसके बाद क्या देगा? 5, उसके बाद 6। कहता है सम संख्या, यही ना सम संख्या? बिल्कुल यही सम संख्या। क्या गो संख्या है? 3 गो। टोटल परिणाम कितना? 6 गो। तो 3 × 3, 3 × 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है एक पासा को फेंकने पर 5 आने की क्या प्रक्रिया? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, 6 पासा को फेंकने। और कहता है 5 क्या मरता है? तो 5 क्या है? 1 मरता है। और टोटल संख्या कितना? 6 है। तो 1/2 क्या होगा जी? 6। ऑप्शन नंबर बी आएगा सही आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 46 को बढ़ते हैं। 46 में दिया हुआ है कि 52 ताश के पत्तों को एक गड्ढी के अच्छी तरह का फेंटा जाता है, उसमें से यदि इच्छा एक पत्ता निकाल दिया जाता है तो रानी क्या, रानी यानी क्या प्रक्रिया ठीक है? तो रानी कितना है? तो रानी की जो संख्या होता है पत्ता में टोटल में जाके 4 होता है ठीक है। तो 4 × 4 अब 52 पत्ता है, तो 52 × 4 = 4 और 13 × 6 = 52। 1/2 क्या होगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं। 47 में दिया हुआ कहता है कि पी का मान इतना है, पी का मान क्या होगा ठीक है? तो पी का मान क्या होगा? तो पी ई और प्लस पी नहीं होने की प्रक्रिया कितना होता है? 1। तो इसे 1.0 से घटाएंगे 0.7, तो 0.3 बचेगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 में बढ़ते कहता है असंभव घटना की प्रक्रिया तो 1 से 0 के बीच में होता ठीक है। तो संभव घटना की प्रक्रिया 1, असंभव घटना की प्रक्रिया 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रक्रिया, किसी भी निश्चित घटना की जो प्रक्रिया होता है हमेशा क्या होता है? 1 होता है, मतलब जो 1 ही आएगा मानो उसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 के बढ़ते हैं। 50 में दिया हुआ है कहता है कोई घटना ई ई और ई का डैश का मान कितना होता है? देखिए कोई घटना होता है और नहीं होने की प्रक्रिया 1 होता है, तो होते हैं होने और नहीं होने के प्रैक्टिकल कितना हुआ? 1। तो इस तरह से हम लोग 50 प्रश्न कर लिए दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए।